धन्यवाद है हेल्थ मिनिस्टर जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का जी के जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने यह धरने पर आवाज उठाई तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए कल शाम ही आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने जो ट्वीट करके और मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज के उन्होंने जो कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर यानी कल तक जी इस पूरे मामले पर जो विषय हमने उठाए हैं यहाँ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले हो, चाहे वो कोई भी मामला हो भ्रष्टाचार को लेकर, विकलांग के मामले थे, जो भी मामले थे उन पे सब पे पूरी तरह से जांच रिपोर्ट ब्रजेश पाठक जी ने मंगवाई है और उसके साथ साथ मंडलायुक्त मुरादाबाद के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय के साथ अभी हमारी वार्ता हुई है, अभी हम वार्ता से आए हैं तो जिले स्तर पर भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी वो थी, वो अपर जिलाधिकारी जो अपने वित्त हैं अरविंद कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें दूसरे जनपदों के डॉक्टर और वो रहेंगे और पूरी कमेटी जो है पूरी जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भ्रष्टाचार जनपद के अंदर था या है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये संगठन की बड़ी जीत है कि उत्तर प्रदेश सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँची है। ये एक बड़ी बात है कि इस जनपद के अंदर अगर चपरासी भी वो लगा रहे थे बोतल तो ये बड़े शर्म की बात है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और हो नहीं सकती। कर रहे थे जैसे मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी थी हमने, लेकिन बिजनौर में हकीकत में होते हुए यहाँ हमने जब देखा तो इसीलिए हम यहाँ धरने पर बैठे और चूंकि इससे ज्यादा और हो नहीं सकता, हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक चली गई और सरकार ने संज्ञान लिया इस पर, इसके लिए सरकार का धन्यवाद, हेल्थ मिनिस्टर का धन्यवाद जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया।